पावर कनेक्टर है वहाँ पर, मैं वोल्टेज चेक करा रहा हूँ आपको ये मोबाइल पे। ये हमारे पास जो आईसी थी, कौन सी आईसी है और मोबाइल कौन सा है नाम बताओ। है मोटो एम है और इसकी आईसी है एम मीडिया टेक 635। और इसका जो कनेक्टर है उस पर मैं वोल्टेज चेक कराता हूँ। इसके अलावा इसका जो सेक्शन पर 3 वोल्ट कैसे कैसे पहुँचेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं। लेना इसको ऐसे पकड़ना, हिलाना नहीं बिल्कुल। तो इसके जो पिने हैं, आइए मैं पहले पिने दिखा दूँ आपको। देखिए पावर की यहाँ पर 2 नंबर पे है, वॉल्यूम अप डाउन है। तो हम सबसे पहले इस पे ये चीज़ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कैमरे में, और ये मल्टीमीटर पे भी हम आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाते जाएंगे, पकड़ो उसको ऐसे। अब सबसे पहले जो हमारा ये डीसी मशीन है, डीसी दिखाओ। डीसी पर हमने इसको लगा रखा है 3.8 वोल्ट, और एम्पियर तो देखिए 2 एम्पियर ले रहा है ये। अब देखिए मैं इसको आपको चेक कराता हूँ, तो इस पर ध्यान देना। ये मैंने इसको यहाँ पर ग्राउंड कर लेना है, और आप देख पा रहे होंगे ये मैं रख रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा, फिर अगले पिन पे नहीं आएगा। चेक करते समय सावधानी से करें, यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आपके पास प्रॉपर टीवी वगैरह है, बड़ा मॉनिटर है, तो उस पर आप सारी चीज़ें ले लें, अदरवाइज़ आपकी चीज़ें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये देखिए ये 3 वोल्ट आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आपको ये ब्रेकर ऑन किए ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। तो चेक करने का तरीका बहुत आसान है। ये देखिए ऊपर ये इसका कनेक्टर लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ से वापस दबाऊँगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। अगर इसको वापस खोलना है तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, वापस खोल लेंगे। और चेक करने के लिए सीधा 2 नंबर पे आप जाएंगे तो आसानी से चेक हो जाएगा। अगर आपके पास स्क्रीन वगैरह है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा कॉइलों पर भी वोल्टेज में बताऊँ तो कहाँ कहाँ आपको चेक करना है, भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये कॉइलें हैं।